कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट लगता हो गया। तो जय श्री राम। तो मैं हूँ आलोक राय और आप देख रहे हैं राय जीटी राइडर। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। गाइस सुबह के बज चुके हैं 5:07, तो निकल चुके हैं घर से अभी। तो येलागिरी का जो डिस्टेंस है बेंगलोर से वो 150 किलोमीटर है। प्लान तो था 3 बजे तक निकलने का, बट उठने में लेट हो गया। मेरी चाय हो चुकी है, अब निकलते हैं फिर से राइड पे। तो टाइम हो चुकी है 6:20, तो चाय पी के अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अब ट्राई करेंगे डायरेक्टली पहुँचें, डिस्टेंस तो अभी 98 किलोमीटर बचा हुआ है। तो सामने विंड मिल की ब्लेड्स जा रही है, इसको स्कॉट भी कर रहा है गाड़ी। हेलो गाइस, ब्रेकफास्ट करने पहुंच चुके हैं A2B रेस्टोरेंट और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। और टाइम जो है 7 बज चुका है अभी। इडली वड़ा ऑर्डर हो चुका है मेरा, खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ येलागिरी हिल्स का। आप देख सकते हैं मेरे सामने, येलागिरी बोट हाउस 13 किलोमीटर। बहुत मजा आने वाला है ये टर्निंग में। बस और ट्रक भिड़ चुके हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इशू रिजॉल्व हो गई, अब हम निकल सकते हैं।
शाबाश। नेचर पार्क लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है येलागिरी लेक। ये है नेचर पार्क येलागिरी हिल्स। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नेचर पार्क येलागिरी हिल्स। तो पहला डेस्टिनेशन हमारा ये रहेगा। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होने वाला। तो टिकट आपको 15 रुपीज़ का पड़ेगा और 10 रुपीज़ जो है वो बाइक का पार्किंग का चार्ज है। तो गाइस आ चुके हैं अंदर। हाय गाइस, तो नेचर पार्क येलागिरी अंदर घूम रहे हैं और अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं। तो देखते हैं थोड़ा देर और घूमेंगे 5-10 मिनट और निकलते हैं। ब्रिज तो है बट टूट गया है। तो यहाँ पे रेस्टरूम की व्यवस्था है। तो अपनी जर्नी फिनिश कर रहे हैं नेचर पार्क येलागिरी हिल्स की। छोटा सा जगह था, आधे घंटा काफ़ी है यहाँ घूमने के लिए। बहुत कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऐसे तो नहीं होता है। जस्ट पेड़ पौधे हैं, थोड़ी अच्छी वाइब्स मिल जाएगी। डेट्स इट। तो निकलते हैं और दिखाते हैं आपको येलागिरी लेक। पहुंच चुके हैं येलागिरी लेक। अभी अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे भी टिकट लेंगे और अंदर जाते हैं। लेट्स गो इनसाइड। एडल्ट्स 15 रुपीस। अब सामने लेक देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर कुछ डेकोरेशंस के रिलेटेड भी सामान मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पे कैंटीन भी है, बोट हाउस कैंटीन। तो गाइज़ ये भीड़ देखे तो मन नहीं करा जाने का। ऑलरेडी 50 लोग लाइन पे हैं। और प्लेसेस हैं, विजिट करते हैं, निकलते हैं। फिर धूप हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। तो यहाँ से एंट्री है मुर्गन टेंपल की। ये है मुर्गन टेंपल। तो गाइज़ अभी आ चुके हैं मुर्गन टेंपल। भगवान जी के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा फ्यूल भी भराना। लॉर्ड मुर्गन टेंपल अभी फिलहाल क्लोज्ड है। तो ये आसपास का व्यूज मुर्गन टेंपल के। एक ही पेट्रोल पंप यहाँ पे है, ये पेट्रोल पंप। उसके अलावा यहाँ पूरे येलागिरी में कोई और पेट्रोल पंप नहीं है। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:05। तो अभी हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं। 3 घंटा 16 मिनट और दूरी है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो निकलते हैं और बीच में कोई अच्छा रेस्टोरेंट देख के लंच करते हैं। बेंगलुरु 155 किलोमीटर। चेकिंग लगता चल रही है।
गाइस ट्रिप का हो रहा है अब एंड। अब खा रहे हैं चिकन बिरयानी और अब निकलेंगे घर और जाके सोएंगे आराम से। वीकेंड का मजा लेंगे घर पे गाना सुनते हुए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।